नेदरलैंड ने भी आपको थोड़ा टफ टाइम दिया, थोड़ा झटका आपको लगा, लेकिन पहली बार पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन पे वर्ल्ड कप का मैच जीती है। प्लस आपने देखा कि बॉडी लैंग्वेज कैसी थी पाकिस्तानी प्लेयर्स की, एकदम से सर झुके हुए थे, नीचे लग रहा था, दे वर सो हैप्पी, दे आर टेकिंग विक्ट्री एज अ विक्ट्री। वो ये नहीं सोच रहे कि नेदरलैंड के अगेंस्ट जीते हैं कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीते हैं या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, वो देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमें दो पॉइंट मिल गए हैं। भाई एंड ऑफ द डे पॉइंट्स मैटर, आपकी शुरुआत जीत से हुई है एंड इट्स अ गुड विक्ट्री फॉर यू, आप कन्विंसिंग भी जीते हो ना, ऐसा नहीं क्या मतलब आपने 80 रन से हरा दिया, दो पॉइंट मिल गए, बड़ी जीत हासिल की, अच्छी नेट रन रेट भी होगी, ठीक है। बाबर आजम के लिए बस यही है भाई, जब तूने देखा कि साउथ शकील जैसा बैटर तेरे पास है, रिजवान तेरे को इतना सपोर्ट कर रहा है, इफ्तिकार के रन नहीं आए बट वो भी रन बना ही रहा है ना रेगुलरली, साउथ शकील कर रहा है, शादाब नीचे से कर देता है, नवाज कर रहा है, तो भाई क्यों तू इतना प्रेशर लेके खेल रहा है, क्यों अपनी विकेट पे ऐसा कर रहा है कि नहीं जी मैं आउट हो गया तो खत्म हो गया, मैं आउट हो गया तो खत्म हो गया, क्या 18 क्या इस पिच के ऊपर जैसे विक्रमजीत सिंह ने खेला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं वसीशा ऑफिशियल, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ, एक नई रिएक्शन के साथ हाजिर हूँ। रिएक्शन जो है लाजमी आती है इस चैनल पे, एक वीडियो या दो वीडियो जो जरूर आती है रिएक्शन के हवाले से, बाकी जो है डिस्कस होती है पाकिस्तान टीम के ऊपर और बाकी जो वर्ल्ड कप के मैचेस स्टार्ट हैं उसके ऊपर होती है। तो इंडियन मीडिया का जो रिएक्शन आ गया तो आप वो रिएक्शन देखें, हम भी देखते हैं और आप भी देखें। हिस्टोरिक विन फॉर पाकिस्तान, इसलिए मैं सरकैज़म में नहीं बोल रहा, नेदरलैंड्स को हराया, कांग्रेचुलेशंस आपको हो, लेकिन वाकई में हिस्टोरिक विन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया में मैच जीता है, पहला मैच है जो जीता है, और एक दफा ये लग रहा था कि नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को दबोच लिया है, पकड़ लिया है, स्पेशली जब वो बॉलिंग कर रहे थे, जब फकर आउट हो गए, इमाम आउट हो गए, स्पेशली बाबर आजम भी आउट हो गए थे, उसके बाद रिजवान ने इनिंग खेली, साउथ शकील फैंटास्टिक इनिंग्स राइट, उसके बाद आके आके आप देखिए नवाज को देखिए, शादाब को देखिए, तो किसी ना किसी तरीके से एक टाइम पे 38 for 3 था, फिर 180 for 6 हो गया, फिर लगा शायद अब ना लुढ़क जाए, लेकिन उसके बाद 180 से भी 286 तक चला गया, तो ऑलवेज बी न्यू के नेदरलैंड को टफ टाइम मिलेगा, नेदरलैंड गेम जीत नहीं पाएगी, बट वहां से भी अटैकिंग शुरुआत हुई, सिंह साहब ने बढ़िया मारा, फिर आपके वो आए बैस डिलेडे, उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान वॉज टू गुड फॉर नेदरलैंड, ऑब्वियसली नेदरलैंड का मुकाबला है नहीं पाकिस्तान से। अच्छी बातें क्या है, क्रिटिसिज्म तो बहुत होता है, लेकिन आज पॉजिटिव्स बताऊंगा पाकिस्तान की, कि पॉजिटिव्स क्या लेके जाती है पाकिस्तान इस गेम से। सबसे बड़ा पॉजिटिव मैं आपके लिए देख रहा हूं, मेरा टेपिया भाई टेंसिया, जिसको मैंने इतने दिन से बोल रहा हूं, हारिस रॉफ कुछ कर नहीं रहे, आज भी कुटाई हुई है नो डाउट, मतलब छक्के आज भी पड़े हैं, चौके भी पड़े हैं, लेकिन जो उनका एक ओवर आया बीच का जिसमें उन्होंने दो विकेट निकाली, स्पेशली स्कॉट एडवर्ड्स कैप्टन को आउट करा, वहां पर गेम बिल्कुल ही पाकिस्तान के पलड़े में आ गई थी, वहां से कभी नेदरलैंड्स रिकवर ही नहीं हो पाई, हालांकि बैस डिलेडे उनकी अच्छी चल रही थी, इनिंग्स वो बड़ी अच्छी खेल रहे थे, बट जो बोलते ना पेस इज पेस, आज हारिस रॉफ ने फिर से दिखाया कि पेस इज पेस, स्पेशली हारिस रॉफ को कोई समझाए बिठा के कि मेरे भाई जब तू बॉल ऊपर डालेगा ना तब तेरे को विकेट मिलेगी, तू जबरदस्ती शॉट पटकता रहेगा बॉल, तूने एशिया कप में मार खाई थी ईशान किशन से, छोटी बॉल डाली कट पे उसने छक्का मारा शुरू में, तेरे को छोटी बॉल डालेगा तेरे को पुल पे भी छक्के पड़ेंगे, तेरे को कट पे भी छक्के पड़ेंगे, छोटी बॉल डालेगा हमेशा पिटेगा, जब से बिल्कुल जब से हारिस रॉफ ने ऊपर करानी शुरू करी बॉल, चलो पहली बॉल पहली विकेट उसको शॉर्ट बॉल पे मिल गई, वो भी छक्के वाली बॉल थी वैसे, वो बाउंड्री पे कैच हो गया, वो इतना अच्छा बैटर नहीं था, उसको लगी नहीं उतनी, लेकिन जब इसने फिर से शॉर्ट बॉल ट्राई करी छक्का खाया, जब इसने ऊपर बॉल डाली इसको एलबीडब्ल्यू भी मिला, किसका एलबीडब्ल्यू मिला इसको, स्कॉट एडवर्ड्स कप्तान का, वहां पे मैच ऑलमोस्ट डेड हो गया था, फिर बाद में भी देखो जो इसने एंड में विकेट ली है, जो फालतू के पंगे ले रहा था ये टेल एंडर से, 11वें नंबर के बैटर को हड़का के, ये थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा हारिस रॉफ, हड़का के क्या कर लेगा भाई, उसको भी जो बोल्ड मारा है आगे ही बॉल रखी है। हारिस रॉफ को जो शोएब अख्तर ने मुझे बताया था उमरान मलिक को बताने के लिए कि अग्रेशन लेंथ में होता है, बट वेरी वेरी गुड बाय हारिस रॉफ, 9 overs 43 runs 3 wickets ली है, शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट ली है बीच में आके, 7 overs 37 runs ऊपर से नहीं ले पाए, फिर आपके इफ्तिकार ने विकेट ली, इफ्तिकार ने बड़ी क्रूशल विकेट ली थी, 3 overs 16 runs एक विकेट, नवाज ने एक विकेट ली है, शादाब ने एक विकेट लिया, तो अगर आप देखें सबका हसन अली ने लिया, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है राइट, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और वैसे इनकी बैटिंग में भी रहा है, तो ये ठीक है आपने नेदरलैंड को हराया, और थोड़ा सा मतलब हंसी आ रही थी बोलते हुए कि आपने नेदरलैंड को हरा दिया कांग्रेचुलेशन और ये वो, लेकिन भाई बात ये है वर्ल्ड कप का मैच था, आप फंसे हुए थे बाबर के विदाउट बाबर, और बाबर का मैं ये बोलता हूं आज बॉलिंग चेंजेस बढ़िया करें, जहां कप्तानी अच्छी होगी अच्छा ही बोलेंगे, हारिस ने बीच में आके 2 wickets ली लेकिन उसको हटा दिया गया, फिर शाहीन आया, फिर शाहीन ने विकेट ली, फिर शाहीन को भी हटाया गया, फिर शादाब नवाज, फिर नवाज ने विकेट ली, फिर हसन अली,
फिर हसन अली ने विकेट ली। तो जो जो बॉलिंग चेंजेस बाबर आजम कराते गए वहां वहां पे विकेट्स आती गई, नेदरलैंड्स कभी सेटल हो ही नहीं पाए, है ना। नेदरलैंड्स की बीच में अच्छी पार्टनरशिप जरूर लगी, एक दो बार अच्छी पार्टनरशिप लगी शुरू की पार्टनरशिप के बाद, जब देखिए जब 100 रन तक पहुंच गए थे उसके बाद फिर से पार्टनरशिप लगी। कौन सा शकील है, तालियां यार इस लड़के के लिए, बहुत अच्छी बैटिंग। आपने सबसे अच्छा काम, बाकी भी सारा एनालिसिस करूंगा, सबसे अच्छा काम आपने करा है साउथ शकील को मौका देने में। अब आप एक मेरे लिए काम कर दीजिए, उसामा मीर को खिला लो, साउथ शकील को खिला रहे हो, उसामा मीर को भी प्लेइंग 11 में डालो और साथ में अब्दुल्ला शफीक को डालो, इमामुल हक को कर दो ड्रॉ। सारी एनालिसिस करूंगा पूरी की पूरी, मैंने स्टैट्स भी बना लिया कि फकर, इमाम, बाबर और बॉलिंग में शाहीन, हारिस एंड शादाब, चल क्या रहा है मामला, ये फंस क्या रहे हैं। बट आज चलो कोई बात नहीं, नेदरलैंड आप बोलते हो भी, नेदरलैंड ने भी आपको थोड़ा टफ टाइम दिया, थोड़ा झटका आपको लगा, लेकिन पहली बार पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन पे वर्ल्ड कप का मैच जीती है। प्लस आपने देखा कि बॉडी लैंग्वेज कैसी थी पाकिस्तानी प्लेयर्स की, एकदम से सर झुके हुए थे, नीचे लग रहा था, दे वर सो हैप्पी, दे आर टेकिंग विक्ट्री एज अ विक्ट्री। वो ये नहीं सोच रहे कि नेदरलैंड के अगेंस्ट जीते हैं कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीते हैं या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, वो देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमें दो पॉइंट मिल गए हैं। भाई एंड ऑफ द डे पॉइंट्स मैटर, आपकी शुरुआत जीत से हुई है एंड इट्स अ गुड विक्ट्री फॉर यू। आप कन्विंसिंग भी जीते हो ना, ऐसा नहीं क्या बता, मतलब आपने 80 रन से हरा दिया, दो पॉइंट मिल गए, बड़ी जीत हासिल की है, अच्छी हो गई, अच्छी नेट रन रेट भी होगी, ठीक है। बाबर आजम के लिए बस यही है कि भाई जब तूने देखा कि साउथ शकील जैसा बैटर तेरे पास है, रिजवान तेरे को इतना सपोर्ट कर रहा है, इफ्तिकार के रन नहीं आए बट वो भी रन बना ही रहा ना रेगुलरली, साउथ शकील कर रहा है, शादाब नीचे से कर देता है, नवाज कर रहा है, तो भाई क्यों तू इतना प्रेशर लेके खेल रहा है, क्यों अपनी विकेट पे ऐसा कर रहा है कि नहीं जी मैं आउट हो गया तो खत्म हो गया, मैं आउट हो गया तो खत्म हो गया। क्या 18, क्या इस पिच के ऊपर जैसे विक्रमजीत सिंह ने खेला नेदरलैंड के लिए, बैस डी लेडर ने जिस तरीके से खेला, क्या बाबर आजम का बनता था 18 बॉलों में 5 रन बनाना, नहीं बनता था। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा होनी चाहिए, बट पाकिस्तान के लिए सबसे पॉजिटिव बात यह है भाई कि बाबर के रन आए ही नहीं है फिर भी वो मैच जीत गए, ठीक है ना, और तीनों टॉप ऑर्डर बैटर फेल हो गए फिर भी वो मैच जीत गया। अगर इतना ही आसान होता ना रिजवान के लिए या आपके बीच में